हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अनुराग है और आज हम डील करने वाले हैं किडनी एंड द नेफ्रॉन। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी की। तो किडनी आपकी पेयर में होती है, यू हैव टू किडनीज। और किडनी जो होती है वो हमारा मेन ऑर्गन ऑफ फिल्ट्रेशन होती है। किडनी के ऊपर हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो कि एड्रिनलिन, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे स्टेरॉइड हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है। हम जब किडनी की बात करते हैं तो इसका जो आकार होता है, जो शेप होता है, वो बीन शेप्ड होता है। किडनी की जो लंबाई होती है, यानी कि लेंथ, वो होती है 11 सेंटीमीटर। विथ जो होती है वो होती है अराउंड 7 to 6 सेंटीमीटर। और जो थिकनेस होती है वो होती है अराउंड 3 सेंटीमीटर। किडनी की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि डार्क ब्राउन कलर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। और ये जो कैप्सूल है ये हमारे फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। अब हम बात करते हैं किडनी के क्रॉस सेक्शन की। तो अगर हम किडनी का ये वाला पार्ट निकाल लें, बीच से अगर इसको हम काटें, तो हमको किडनी में ये स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। हमने ऑलरेडी देखा था कि किडनी की जो बाहर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल, एंड जो किडनी की अंदर की लेयर होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। एंड ये जो आपको ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, पिरामिड्स दिख रहे हैं, इस पूरी लेयर को हम बोलते हैं मेडुला। तो किडनी तीन लेयर से मिलके बनती है, कैप्सूल, मिडिल कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इनर मेडुला है, जिसको हम मेडुलरी पिरामिड भी बोलते हैं, इसी मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। हम अभी देखेंगे आगे कैसे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर योर कैलिक्स। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा माइनर कैलिक्स, और ये माइनर कैलिक्स जुड़ के बनाते हैं मेजर, एंड मेजर कैलिक्स मिलके बनाते हैं रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से बनता है आपका यूरेटर। वहीं अगर हम बात करें ये ब्लू कलर स्ट्रक्चर की, ये ब्लड वेसल है जिसको हम बोलते हैं रीनल वेन। और जो आपको रेड कलर से स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ योर रीनल आर्टरीज। सो दैट वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी।